वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इन्हां दा मैसेज हैगा आ कि चपैरे साहब दे तुसीं आप दे विचार दसो। किसी ने वीडियो पाई हैगी कि चपैरा साहब रोज़ कट लो, तो उहदे विच हुण मेरे विचार तां इदां हैगे आ कि 5 साल तो मैं अपने विचार दस रही हैगी हाँ, तो दास ने अपने विचार उही दसे हैगे आ जो दास ने चपैरा साहब कट के शहीद बाबा दीप सिंह जी महाराज ने जो मैनू दिता, जो मेरे ना हुई बीती, वो मैं तुहाडे नाल शेयर कर रही हैगी साध संगत जी। तो जिहड़े मैं चपैरा साहब दास ने कट्टे हैगे आ वो संडे ही चपैरा साहब कट्टे आ 12 to 4 पुरातन टाइम का जिहड़ा विधि विधान सी उहदे अकॉर्डिंग मैं किया हैगा। हुण जे मैं लाइक व्यू ले वीडियो नहीं मैं पाती हैगी, ठीक है, मैं वीडियो शुरुआत वाले इस करके पाई सी कि अगर बहुत सारी दुनिया दुखी हैगी आ ते मैं चाहती सी कि चपैरा साहब कट के मेरे भी महाराज ने दुख दूर किए आ ते साध संगत दे भी दुख दूर हो जाए, है ना। मैं वो एक युवती दसी सी पर हुण कई महीनों तो मैं देख रही हाँ लाइक व्यू करके भी वीडियो पै रही है, पर इट्स ओके जो कोई पाता हैगा, मैनू ये कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। पर मैं जे तुसी मेरी सलाह मंगते हैं मेरे तो पूछते हैं तो मैं अपने तरीके ना तो दस दिनी हैगी हाँ कि दास ने इन्ने तो इन्ने बजे कट्टे सी की किता सी किदा किता सीगा, वो मैं तुहानू पूरी जुगती है जा डिटेल उहदे विच दसी जानी है चपैरा साहब की। हुण तुसी करनी आपकी मर्जी हैगी है ना। सो मेरा सुभा इदा हैगा, मेरा नेचर इदा हैगा कि जे मेरे ना कोई माड़ी कर जाता हैगा तो मैं ये नहीं कि बदले चगले ना माड़ी करन जानी हाँ, मैं ये सोचती हुन्नी हाँ कि परमात्मा उन्हूं होर भी ज़्यादा खुश रखे मैं जड़ा माड़ी करके गया, क्यों खुश रखे, इन्ना खुश रखे कि वह मैनू बिल्कुल भुल जाए, बिल्कुल टोटली भुल जाए कि किरण नाम की कोई कुड़ी है भी सी दुनिया दे विच, ताकि वह अपनी लाइफ च इन्ना खुश रहे कि मेरे वालों वह देखे भी ना। सो मेरा ये नहीं हुंदा कि मैं हुण पाउण नूं मैं वीडियो बड़ी देर दी पा दिंदी हाँ ये तो इदा कर रहे उदा कर रहे कोई झूठ बोल रहा कोई उदे वीडियो पाई जा रहा है, पर मैं किसी के एक्सपीरियंस से भी वीडियो नहीं पाती, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस दीडियो पाई हाँ। पर जड़े मैनू बड़ी देर से फॉलो करते हैं जिन्हें दे काम होए, जिदा मैं तुहानू दस्या कि एक भैन का जिन्हों का 18 साल बाद बेबी होया, वो साध संगत मैनू 2-3 साल तो जी साध संगत फॉलो करती हैगी है, उन्होंने बहुत साध संगत के काम होए है, ठीक है, उन्हां दियां मनोकामना पूरियां हुईयां, उन्हां नूं उन्हां ते नाम दी किरपा भी महाराज ने कीती। सो वो साध संगत मेरी मैनू ऑलरेडी मेरी लिस्ट च है, मैनू पता आ जिहड़ी रैगूलर साध संगत हैगी आ, जिहड़ी हुण कोई साध संगत जिहनूं मेरे बारे कुछ कोई ज्ञान नहीं पता नहीं वो कुछ भी मेरे बारे कह सकदा हैगा, मैनूं वो भी कोई फर्क नहीं हैगा। तो यही मेरे विचार हैगे आ कि संडे नूं जे मतलब मेरी तुसीं सलाह लैनी हैगी है जां मेरे तो पूछना हैगा तो संडे नूं 12 to 4 जिहड़ा हुंदा उही चपैरे दा टाइम हुंदा अपने अपनी कंट्री दे हिसाब नाल, जिहदे विच 5 जपजी साहब दे पाठ करने हुंदे आ, 2 चपई साहब दे पाठ करने हुंदे आ, फिर तुसीं ब्रेक लैनी 15-20 मिनट दी, फिर सुखमनी साहब दा एक पाठ करना हैगा, तो उस तो बाद 6 पौड़ियां आनंद साहब दियां पढ़ के अरदास कर देनी आ, तो शुरुआत वाले भी देग बना के कोल पानी रख के शहीदां दी जोत जगा के अरदास करनी हैगी, महाराज दे अगे बेनती लानी हैगी आ। सो ये मर्यादा हैगी चपैरा साहब दे पाठ की, तो इदां ही मैं चपैरे साहब का बाबा दीप सिंह जी दे स्थान पर एक कट्टिया सी, ते महाराज ने 8-9 साल हो गए उदों दी मेरी बांह फड़ी हुई आ, ते महाराज की बहुत कृपा हैगी आ शहीद बाबा दीप सिंह जी महाराज की, ते इदां समझ लो कि मैं उन्हां दी एक बेटी भी हैगी हाँ, ये भी तुसीं कह सकते हैं कि बाबा दीप सिंह जी ने इदा भी तुसीं कह सकते मैनूं अपना वकील ही बनाया होया हैगा आ। सो मैनूं कोई गल पुछनी, मैं कोई गल पुछनी होवे ते मैं सीधा महाराज तो अरदास करके पुछदी हुंदी हाँ, ते तुसीं भी अरदास करके शहीद बाबा दीप सिंह जी महाराज को जिहड़ी मर्जी गल पुछ सकदे आ, महाराज तुहानू उस गल का आंसर जरूर देंदे, चाहे हुक्मनामे च देन चाहे तुहानू
ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।